हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में आपको कई ऐसी अभिनेत्रियां दिख जाएंगी जिन्होंने अपने टैलेंट के दम पर पहचान बनाई, खूब सफलता हासिल की, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ये अभिनेत्रियां पर्दे पर जितनी सीरियस दिखती हैं, रियल लाइफ में बहुत ज्यादा चुलबुली और नटखट हैं, जो अपने कारनामों के चलते कई बार मुसीबत में पड़ जाती हैं। तो इसलिए आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड की उन अभिनेत्रियों से रूबरू करवाएंगे जो काफी मस्त बिंदास रहती है। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 5, श्रद्धा कपूर। बॉलीवुड की नटखट एक्ट्रेस की लिस्ट बनाई जाए तो श्रद्धा कपूर उसमें जरूर शामिल होगी, जो आज बॉलीवुड में अपना अहम मुकाम हासिल कर चुकी है। सभी लोग ये मानते हैं कि इनकी पहली फिल्म आशिकी 2 थी, पर यह गलत है। ये अमिताभ बच्चन के साथ 2012 में फिल्म 3 पत्ती से बॉलीवुड में डेब्यू कर चुकी हैं, लेकिन इन्हें पहचान मिली 2013 में आई फिल्म आशिकी 2 से, जिसमें इन्होंने आदित्य राय कपूर के साथ जोड़ी के रूप में काम किया। इनके बारे में दिलचस्प बात यह है कि ये काम के समय सीरियस रहती हैं, अपने खाली समय में बहुत मस्ती करती हैं, अक्सर सेट पर सभी के साथ मस्ती करती हुई दिखती हैं। नंबर 4, आलिया भट्ट। बॉलीवुड की इस चुलबुली अभिनेत्री आलिया भट्ट ने बहुत जल्दी फिल्मों में अपनी पहचान बना ली। इन्होंने 2012 में फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की और बॉलीवुड पर छा गई। इंडस्ट्री में 6 साल हो चुके हैं इनको और 6 सालों के बीच इन्होंने कई वैरायटी की फिल्मों में काम किया है और अपने टैलेंट के दम पर बॉलीवुड में अलग मुकाम हासिल किया। ये बॉलीवुड में चुलबुले अभिनेत्री के तौर पर जानी जाती है, जो अपने चुलबुले अंदाज से हर जगह 4 चांद लगा देती है। नंबर 3, सारा अली खान। एक्ट्रेस सैफ अली खान और एक्ट्रेस अमृता सिंह की बेटी सारा अली खान इन दोनों इंडस्ट्री की सबसे पॉपुलर न्यू कमर्स में से एक है। 2018 में फिल्म केदारनाथ से बॉलीवुड में इन्होंने अपना डेब्यू किया, अपनी पहली फिल्म से बॉलीवुड में छा गई। इसके बाद इन्होंने उसी साल सिम्बा मूवी में काम किया, वो भी हिट हो गई और ये सभी की फेवरेट बन गई। दोस्तों आपको बता दें, ये बहुत ही नटखट है, जिसका सबूत रोहित शेट्टी ने द कपिल शर्मा शो के सेट पर दिया था। उन्होंने कहा था कि इन्होंने सिम्बा मूवी के सेट पर अचानक उनसे जाकर कहा था कि आज मेरा बर्थडे है और किसी को भी याद नहीं है, जिसे जानकर उन्होंने इनके लिए बर्थडे केक मंगवाया और जब केक आया तो उन्होंने हंस कर कहा, आज मेरा बर्थडे नहीं है, मैंने आपसे झूठ बोला था, जिसके बाद सभी गुस्सा हो गए, पर बाद में इन्होंने सभी को मना लिया। तो देखा दोस्तों, ये जितनी मासूम दिखती है उतनी नटखट भी है। नंबर 2, दिशा पटानी। बॉलीवुड की हॉट और बोल्ड एक्ट्रेस में शुमार अभिनेत्री दिशा पटानी ने बॉलीवुड में सुशांत सिंह के साथ अपनी पहली फिल्म एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में काम किया। इस फिल्म में इनका रोल भले ही छोटा हो, लेकिन लोगों ने इनकी तारीफ की। इसके बाद इन्होंने बहुत सी फिल्मों में काम किया और खूब सफलता भी पाई। आपको बता दें, आपकी फेवरेट एक्टर है ना, बड़ी शरारती है। ये सेट पर अक्सर अपने को स्टार के साथ मस्ती मजाक करती हुई नजर आती हैं। ये अभी से इतनी शरारती नहीं है, बल्कि बचपन से ही ऐसी है। इन्होंने एक शो में बताया था कि जब मैं छोटी थी तो उस समय नए नए टेलीफोन आए थे, मैं और मेरी बहन साथ में बैठकर कुछ रैंडम नंबर को डायल करते, हम सिर्फ यही करते थे, हाय हेलो फला फला से बात कर रही हूँ, उन्हें बहुत परेशान करते थे। नंबर 1, करिश्मा कपूर। 90 के दशक के टॉप एक्ट्रेस में शुमार करिश्मा कपूर, जिन्होंने अपने टैलेंट के दम पर इंडस्ट्री में पहचान बनाई। लेकिन कपूर खानदान से ताल्लुक होने के बावजूद इन्होंने बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने के लिए काफी स्ट्रगल किया, फिर इन्होंने अपने टैलेंट के दम पर खूब सफलता हासिल की। आज भले ही इन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली है, लेकिन दर्शकों के दिलों में आज भी इनकी यादें बसी है। तो दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि फिल्मों में सीरियस दिखने वाली ये अभिनेत्री रियल लाइफ में काफी नटखट है। जब भी इन्हें समय मिलता है तो सभी लोगों के साथ मिलकर अपने डायरेक्टर्स को परेशान करती है, बाद में सारा इल्जाम दूसरों पर लगा देती है। तो दोस्तों, आपको इन अभिनेत्रियों में कौन सी अभिनेत्री ज्यादा पसंद आई, हमें उनका नाम कॉमेंट में बताइए। और बॉलीवुड से जुड़ी और भी बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर दो।